को ऑसिलेटरी मोशन में मूव करें जब ऑसिलेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं तो ये इस स्ट्रोक को सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। जब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ये जो इसकी टायर है ये रोटेशनल मोशन में मूव करते हुए पूरे कार्ट को लीनियर मोशन में एक से प्लेस से दूसरी जगह ला रहा है। अगर हम एक लीनियर मोशन प्रोवाइड करें तो भी इस कार्ट को रोटेशनल मोशन में मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है और अल्टीमेटली ये इसको ऑसिलेटरी मोशन में ये बनाए कन्वर्शन ऑफ लीनियर मोशन टू ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये लीनियर मोशन में हमने रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर हम इसको दबाए तो ये क्या कर्वी लीनियर पाथ से ऑसिलेटरी मोशन पे जाएगा। ये जैसा कि ऐसा है, अभी आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, आप लोग भी देखिए। तो ये लीनियर पे चल रहा है, ये स्टिक, हाँ स्टिक जो है, ये स्टिक जो है जो स्टिक आपने हाथ में रखा है, हाथ में रखा है वो, ओके, तो ये ऑसिलेटरी मोशन पे जा रहा है। वो भी तो ऑसिलेटरी है, स्टिक गन। नहीं नहीं नहीं, स्टिक को हाथ में रखा है वो भी तो ऑसिलेटरी है। नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, लीनियर हो रहा है। देखिए ऑसिलेटरी नहीं है, आगे आगे पीछे जा रहा है वो, आगे पीछे जा रहा है, लीनियर मोशन। जो हमने इनिशियली सोचा था, हमने सोचा था कि इसमें विंड स्ट्राइक करेगी ना इसके फैंस में, तो ये रोटेट करेगा जिसकी वजह से ये लीनियर मोशन करेगा, लेकिन हमारे पास इतना हैवी विंड नहीं है कि हम इसको मूव करा सकें। आपने इसको किस चीज से टाई किया है कि ये मूव कर रहा है? ये दिस इज अ सर्कुलर डिस्क which is connected to this fan. ये मॉडल एक है जिसको हमने दो पार्ट में बनाया है और इससे आप अलग अलग मोशन देख सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको रोल कर रहा हूँ तो एक तो ये आपका सर्कुलर मोशन इसमें आ रहा है, फिर जब ये रोल हो जाता है तो मैं इसको एक एक्सिस पे इसको रोटेट करता हूँ तो ये आपका रोटेशनल चल रहा है, ठीक है। सेकंड मैं इसको कह सकता हूँ कि ये रोटेशनल मोशन में है। अब जो हमारा मॉडल है उसमें ये है कि हम इस सर्कुलर और रोटेशन मोशन को एक लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमने जैसे इसमें दिख रहा है कि एक शार्प एजेस बनाए हैं इसके ऊपर, जो व्हील है उसके ऊपर शार्प एजेस बनाए हैं और इसी तरह से एक इसमें शार्प एजेस है। तो जब ये एक दूसरे से स्टिक होते हैं तो ये जो है वो उसको पुश करता है आगे मोशन के लिए, और मोशन को थोड़ा कंटिन्यूस रखने के लिए ये जो बॉटल के कैप्स हैं उनको हमने काम में लिया है, जो व्हील की तरह काम करते हैं। अच्छा, मतलब कि रोटेशन से लीनियर में कन्वर्ट कर, जैसे ये चल रहा है ये इस तरह से। सो व्हेन वी पुल दिस व्हीकल बैक आई एम डूइंग इट इन अ लीनियर मोशन बट यू कैन सी दैट द व्हील्स आर शोइंग रोटेटरी मोशन and when I leave it, so you can see linear to rotatory and again rotatory to linear. It all gets stored here and then when I leave it, it goes back to the straight line. ये moving Spider-Man है, तो इसमें हम to and fro motion कर रहे हैं hand का, तो ये एक periodic motion है जो कि linear motion में convert हो रहा है motion से। So this is periodic, yes, but periodic, yeah. What kind of periodic motion is this? This is to and fro. Okay, will it be called oscillatory then? Not oscillatory तो इसमें हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इसको सर्कुलर मोशन में घुमाया था ना, तो इसका जो व्हील था वो थोड़ा रोटेट किया था, फिर अब हम इसको बार बार लीनियर मोशन दे रहे हैं, तो लीनियर हियर कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल मोशन ऑफ व्हील। ये एक रोटेशनल मोशन है इसका यूज कर रहे हैं हम लोग इसको लीनियर मोशन में, और ये एक ऑसिलेटरी, इसका नेचर एक ऑसिलेटरी है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर ऑसिलेटरी मोशन।
तो क्या आप उस लीनियर ऑसिलेटरी से भी सर्कुलर ला सकते हैं? हाँ, वो वाइस वर्सा कर सकते हैं, पर वो इतना इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है, ये इसके जॉइंट्स इतने अच्छे नहीं है। अगर इसके जॉइंट्स को हम लोग थोड़ा और जगह चाहिए था, और उसको थोड़ा मोमेंटम मिल जाता व्हील को, व्हील थोड़ा भारी होता तो वो हो जाता वो। हाँ, नहीं अगर यहाँ पे ये नहीं भी होता तो शायद। हाँ, नहीं, तो हटा के भी देखा तो उसको मोमेंटम चाहिए उसके लिए, तब वो जो है एक फिर से लोड के नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि इसको जॉइंट्स में इतना एक बार करना, इसको जॉइंट को एक बार करने का ये तरीका ये है, इसको करने का तरीका एक बार ये है, एक बार छोड़िएगा इसको, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे ना तो ये होता है। स्मूथ हो रहा है तो ये हमारा विंडशील्ड ऐसे ही काम करता है। तो देखिए ये जो है ये पिस्टन सर्कुलर भी जो है, पिस्टन ऐसे ये लीनियर मोशन भी सर्कुलर मोशन में चेंज हो रहा है, ये पिस्टन है। हाँ, और इसका ये इसका मोशन को ये लोग रोटेटरी में चेंज कर सकते हैं। करेक्ट, अगर इसके पॉइंट्स को हम बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा स्पीड बढ़ सकती है इसके, क्योंकि इसके हम सर्कुलर पाथ को यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे है ना, तो ये जो सर्कुलर मोशन है आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा ऊपर से, है ना। जो ये सर्कुलर मोशन है ये लीनियर ऑसिलेटरी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये इधर आगे पीछे जाएगा ये। हाँ, आप इसको दोनों साइड से होल्ड करोगे तब आपको चलो। हाँ, ये हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, ये लीनियर ऑसिलेटरी हो रहा है ना। तो ये सर्कुलर मोशन, चलो ठीक है ना। तो ये अब देखिए हो रहा है, है ना, ये चीज है। अब इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंड हमको बनाना था, ठीक है ना, तो वो स्टैंड हमने अभी नहीं बनाया। रोटेटरी मोशन दे रहे हैं और इसके बाद ये इसमें स्टोर हो जाएगा, देन फिर हाथ के लीनियर मोशन से हम इसको मेंटेन करेंगे, ये लगातार ये चलता रहेगा नॉन स्टॉप, ठीक है ना। दे जा रहे हैं, नहीं हम देंगे नहीं, हमने सिर्फ एक बार दिया, लेकिन उसको हमने फिर लीनियर मोशन से उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एक बार देना पड़ेगा, वहाँ पे दिए और आपको हैंड भी मूव करना पड़ेगा, हैंड भी मूव करना पड़ेगा उसको मेंटेन करके, उसको चलाने के लिए आप कंटिन्यूस देते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे जो लीनियर मोशन है वो कैसे सर्कुलर में चेंज होगा। यहाँ से छोड़ता हूँ, क्या है ग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, तो लीनियर मोशन है ये सर्कुलर के अंदर पाथ के कारण चेंज। सो वी आर स्ट्राइकिंग दिस बॉल विद दिस रबर बैंड, सो द रबर बैंड पुश द बॉल quite fast, so it will hit the base of this baby doll actually. So idea is that the ball is in linear motion, the moment it hits it transforms into vibrating motion, and you even see the ball is oscillating motion. So here is the from linear to vibratory and then oscillating. Okay. Linear to vibrating and then to oscillating. ये क्या काम करता है? जब इसको रोटेट करते हैं तो ये बॉल लीनियर मोशन में ऊपर की ओर बढ़ता है, और या वाइस वर्सा है, जब इसे नीचे की ओर रोटेट करते हैं तो ये नीचे की ओर बढ़ता है। पुली में तो एक वो तो वहीं रोटेट करता है, ये वाइंड करता है, ये हाँ ये वाइंड कर रहा है, वाइंड कर रहा है तभी ये ऊपर जाए। मोशन में से पुश कर रहे तो वो उसके व्हील्स रोटेट कर रहे हैं और वो भी आगे लीनियर टू रोटेटरी टू लीनियर हो रहा है, और वाइस वर्सा भी है, जब इसे रोटेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ पुल कर रहा है एक तरह से रोटेटरी टू लीनियर, और एज ए रिजल्ट ये भी लीनियर मोशन बन रहा है। रोटेटरी मोशन में सर्कुलेटरी मोशन में ये पूरा का पूरा जो केज है ये रोटेटरी मोशन में रहेगा इस एक्सिस के अलावा, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है पिंक कलर का धागा देख रहे हैं ना, इसे हम पैरेट का फूड मान रहे हैं जो सर्कुलेटरी मोशन में रहेगा। धीरे करो ना, अनदर वन, हां वी मेड टू, वी हैव अ डांसिंग हुला डॉल। हां, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, रोटेटरी से ऑसिलेटरी मोशन आ रहे हैं। अच्छा घुमाओ इसको, ये थोड़ा पर मैं स्ट्रॉक को रोटेट नहीं करने दे रही हूँ, मैंने इसको एक इस पे प्लेस पे फिक्स कर दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तब ये ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे जा रहा है तब ये नीचे जा रहा है।